नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। मोदी कैबिनेट फिर से एक बार सज गई है और बिहार के लिए इस बार भी बहार है। मोदी कैबिनेट में बिहार बीजेपी के 5 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। 5 बड़े चेहरे, 5 सांसद जो अपने अपने क्षेत्र से जीतकर सदन पहुंचे और मोदी और अमित शाह ने उन पर भरोसा जताया और अपने टीम का उन्हें मेंबर बनाया। रविशंकर प्रसाद जो पहले राज्यसभा से आते थे, वो इस बार पटना साहिब से उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव हराया और आज मंत्री के तौर पर उन्होंने मोदी कैबिनेट में शपथ ली। वहीं उसके बाद दूसरे चेहरे जो मोदी सरकार में इस बार फिर से मंत्री बने हैं, वो है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने भी मंत्री के तौर पर शपथ लिया है, मोदी सरकार में उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। इसके बाद तीसरा बड़ा चेहरा अश्विनी चौबे का, बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। अब अश्विनी चौबे ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नित्यानंद राय, जो उजियारपुर से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में हराया, दूसरी बार सांसद बने। इस बार उनकी मोदी कैबिनेट में एंट्री हुई है। हालांकि वो पिछली बार भी सांसद थे, लेकिन पिछली बार मंत्री नहीं बनाए गए थे। इस बार उनकी मोदी कैबिनेट में एंट्री हो गई है। मोदी कैबिनेट में मंत्री पद के तौर पर उन्होंने भी शपथ लिया है। इसके बाद बिहार से आर के सिंह, आरा के सांसद, जिन्होंने राजू यादव को चुनाव में हराया और इस बार एक बार फिर से मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें मंत्री बनाया। ऐसा कहा जाता है कि पिछली बार मोदी सरकार में जो मंत्री थे उसमें से आर के सिंह उन मंत्रियों में शामिल थे जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा था। तो आर के सिंह पर भी एक बार फिर से भरोसा जताया। अगर एक तरीके से देखें तो यूपी के बाद शायद बिहार सबसे बड़ा राज्य है जिसके सबसे ज़्यादा बीजेपी के सांसदों को मंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी की, बिहार बीजेपी की मोदी मंत्रिमंडल में इस बार फिर से धूम है। हालांकि 2 चेहरे इस बार रह गए, रामकृपाल यादव और राधा मोहन सिंह। रामकृपाल यादव और राधा मोहन सिंह को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। रामकृपाल यादव को भी ड्रॉप किया गया है, वहीं राधा मोहन सिंह को भी ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन नित्यानंद राय की एंट्री हो गई है। बाकी 4 चेहरे पुराने चेहरे ही हैं, लेकिन उन्हें मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से मंत्री बनाया गया। मोदी कैबिनेट में कुल मिलाकर यूं कहें कि बिहार बीजेपी की धूम रही। बिहार बीजेपी के सांसदों पर मोदी और अमित शाह को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, तभी उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। और बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसे लेकर भी शायद ये तैयारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी की बड़ी खबर यही है कि बिहार बीजेपी के सांसदों की मोदी कैबिनेट में बहुत बड़ी जगह मिली है। 5 सांसद मंत्री बनाए गए हैं। अगर आपने अभी तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।